आवाज अच्छी नहीं है टीवी का फेस है नाक बड़ा है तो ऐसे अजीब अजीब चीजें लोग बोलते थे बिकॉज आई थिंक कोई डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है इट्स द मोस्ट सिचुएशन मतलब एक कैमरा में कोई थकेला पीछे बोल रहा है लाइंस बोल रहा है मतलब पीछे मतलब यू नो कि कुछ है ही नहीं फील जैसे सेट भी होती है अच्छा ये बताइए पहला क्रश कब हुआ था आई थिंक स्कूल में नर्सरी नर्सरी में में आई हाँ? थिंक इतने नर्सरी में क्रश हो गया था आपको

अब हमको ये पार्ट ऑफ द जॉब बना दो यही तो है पार्ट ऑफ द जॉब हर फ्राइडे नाम पर्सनालिटी hmm. hmm. बदलना है हाउ आर यू डूइंग वेरी गुड वेरी एक्साइटेड अभी दो हमारे स्क्रीनिंग्स um, हुए हैं तो रिव्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है लाइक वर्ड ऑफ माउथ जिन्होंने भी देखा है तो आई एम एक्साइटेड आई थिंक ये फिल्म होपफुली लैंड होने वाली है या uh, yeah, बस होपफुली नहीं लैंड होने वाली है land होने वाली है, <laughs> लैंड, होने वाली है <laughs> लैंड हो चुकी है <laughs> मैनिफेस्ट <laughs>

ये वासन बाला का स्टाइल है जो हाउ वाज इट विद राजकुमार एंड हुमा मतलब बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स राधिका तो कैसा रहा इनके साथ कुछ दिक्कत होती है मतलब इतने सीनियर एक्टर्स जब होते हैं कुछ या यू गेट कंफर्टेबल इजीली आई थिंक मैं लकी हूं क्योंकि ये तीन एक्टर्स आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं क्योंकि आई थिंक मैं वैसे ब्लेस्ड हूं जो भी मैंने पिक्चरें की है मैंने यू नो एक्टर्स के साथ किए हैं जो बहुत ज्यादा साल काम कर चुके हैं दे ऑल बीन सो सपोर्टिव और इतना you know, यू नो हो राधा का हो अभी राज हुमा राधे का आपटे हो दे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके को एक्टर्स आपको वाइब करने दे फील करने दे यू you नो know, आपका आपको, आपको अपना स्पेस रैगिंग ना करें हा, like, you know, करे हाँ यू नो मेटाफोरिक रैगिंग ना करें तो दे थ्री लवली मेरे ज्यादातर सीन्स राज के साथ है ही इज़ एब्सोल्युटली लवली मेरा ड्रीम था मैं हर इंटरव्यू में कहती थी मेरे को राज या आयुष्मान के साथ वर्क करना है तो मेरी तीसरी पिक्चर में मैं राज के साथ वो कर रही हूँ तो आई थिंक प्रोजेक्ट जो भी मेरे को चाहिए था मेरे को मिला है क्या um, yeah, क्या सबसे क्या डिफिकल्ट रहा इस फिल्म को शूट करने के दौरान कुछ ऐसा लगा कि दिस वॉज लाइक चैलेंजिंग और दिस वॉज लाइक हो नहीं पा रहा बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है आई थिंक uh, yeah, मैं थोड़ा खुद को कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि मेरे लिए एक्टिंग जो मैं सेट पे होती हूँ इट्स जस्ट पीस एंड हैप्पी और मतलब फ्लो में जाता है एफर्ट थोड़ा मेरे जैसे मैं देखती हूँ नेगेटिव है हार्ड वर्क था कोई टफ एफर्ट नहीं पर ऑफ कोर्स वजह से बहुत डीले वीले वो सब थे पर अपार्ट फ्रॉम दैट सेट में सिर्फ मस्ती था हार्ड वर्क था मजा था और या uh, yeah. अच्छा ये तो अभी आ जाएगी अभी यू यू जर्नी हाउ स्टार्टेड कभी बचपन में मतलब मिरर देख के यही सोचा था कि हीरोइन बनूंगी मैं वही मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गया है यू नो जब लोग मुझे पूछते हैं कब था वो टाइम जब आपको रियलाइज हुआ आपको एक्ट्रेस बना था कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था जब तक मेरी मेमोरी पीछे जाती है मैं एक्टिंग करी थी मैं नाच रही थी मैं कुछ डायलॉग्स मारी थी मेरे में मैं स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन डायरेक्ट करती थी एक्ट करती थी तो आई न्यू मतलब मैं और कुछ जानती नहीं थी लेट्स पुट इट लाइक दैट मेरा कोई प्लान भी नहीं था मेरे को एक ही थी रट मेरे को हीरोइन बनना है हीरोइन बनना है हीरोइन mm -hmm. बनना है और मैं यही देखती आ रही हूँ और बस इट्स द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ और फिर मैंने कॉलेज के बाद सात साल सात आठ साल ऑडिशन किए और फिर गिल्टी के, uh, mm -hmm. के लिए ऑडिशन किया साथ और आठ साल ऑडिशन किया आठ साल ऑडिशन किया आई थिंक आई आठ साल तक आप रिजेक्ट होती थी करेक्ट वेरी मच

बोलते थे कि आई थिंक मुझे मिला है कि यू शुड ट्राई टी वी तुम्हारा बहुत टी वी वाला फेस है तो ऐसा टी वी फेस होता क्या है लाइक आई डोंट नोट देट मीन्स या मैं ऑलमोस्ट साइन हुई हूँ एक पिक्चर के लिए और फिर लास्ट मिनट कोई पुल से मेरे को निकाल के किसी और को लिया था तब मुझे बोला था योर वॉइस इज़ टू हार्श तो आई ऐसा ओके ठीक है मतलब आई डोंट नो वट दैट हैज़ टू डू विद एनी तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें लोग बोलते थे बिकॉज आई थिंक कोई डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है Uh, तो हाँ ऐसे अजीब चीज़ें हुई कुछ मीन ज़्यादातर नहीं पर मैं ढूंढ हाँ वेट लूज करो आवाज़ तो, अच्छी नहीं है टीवी का फेस है नाक बड़ा है नाक बड़ा मिला मेरे को uh, हाँ ऐसे डम डम यू लाइक ओवरवेट मतलब हाँ? मैं चबी किट थी मेरी मैं, मैं फैमिली बहुत खिलाती थी मेरे को तो मैं हैप्पी चबी किट थी हाँ तो हाँ वो था कोर्स

टफ्लिक्स के लिए नहीं नेटफ्लिक्स नहीं बोला था बोला था धर्मेटिक के लिए है और ऑडिशन करना है ऐसे ठीक है आई डोट नो आप ऑडिशन के बारे में कितना जानते हो पर इट्स द मोस्ट अनर्विंग सिचुएशन मतलब एक कैमरा में कोई थकेला पीछे बोल रहा है लाइन्स बोल रहा है मतलब <laughs> थकेला पीछे मतलब यू नो कि कुछ है ही नहीं फील <laughs> जैसे <laughs> सेट भी होती है <laughs> हाँ ठीक है ऐसे वैसे लाइन्स <laughs> कोई <laughs> बोल रहा है और मैंने मेरा ऑडिशन दिया कहीं महाडा में और मैं घर गई पूरा इट वॉज इट वॉज रैंडम पता नहीं होगा नहीं होगा धर्मा की पिक्चर है पर नेटफ्लिक्स पे तो इतना hmm. वो बोझ जो नो hmm. you know, किसी को लॉन्च करने में होता है आई सर होपली इसमें नहीं होगा थोड़ा कम होगा तो मेरी चांसेस और हैं यू नो पुश किया पुश किया पुश किया और इट्स सो फनी मैंने मैं, ए, मैं एक टैरो रीडर के पास गई थी दिसंबर में ये मार्च में है और उसने बोला कि बाय एंड ऑफ मार्च यू विल साइन योर फिल्म अनाज हाँ ओके कट टू मार्च ट्वेंटी एथ मेरे को फ़ोन आया है और माई मैनेजर सेज याद है वो टैरो कार्ड रीडर ने क्या बोला था ऐसे याद सेड मार्च अभी ट्वेंटी मार्च हुआ कुछ नहीं हुआ शी वेल इट्स कम ट्रू एंड आई सेड and i was with my best friend or hum ro rahe the main itna royi thi that tomorrow you have to go to the office and meet the director and then the rest is history number dena us therapist ko main bahut baat kar do i promise you main 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 office gayi maine you know i met the other caste and i met my director maine sabko ye story boli sabne unka number le liya she literally sir end of march on 28th march i signed guilty to main bhi puchta hu unse ha zarur puchega matlab aisa aise jo incidents hote hain matlab is tarah ke jo predictions hoti hain wo sahi nikal jati hain no

यू नो वाट कॉम्प्लिकेटेड रहती है और अनकम्फर्टेबल रहती है बिकॉज ऐसा होता है कि ओ oh, अंकल आप रोज़ घर पे आते हो खाना खाते हो पर मैं आपको काम के लिए कैसे पूछूँ लाइक like, अजीब लगता है सो इट्स अ वेरी क्या मैं ऑडिशन रूट जाऊँ क्या मैं मैसेज करूँ और मिलूँ अगर उनको ना बोलना है वो कैसे बोले बहुत बहुत अनकम्फर्टेबल होता है तो आई थिंक मैंने अर्ली ऑन सीख लिया था और समझ लिया था कि मुझे मोमेंट आर्ट की तरफ से कुछ करना ही नहीं है बिकॉज आई फील या तो मेरिट पे नहीं मिलेगा यू कोल्ड मीटिंग्स बहुत होती हैं मेरे को कोल्ड मीटिंग्स करनी नहीं थी मेरे को ऑडिशन करना था और मेरे को कॉल uh, बैक चाहिए था मेरे को अंकल हाय मिलोगे मुझसे हाय आंटी मिलोगे मुझसे मेरे को वो चाहिए ही नहीं था तो आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मॉम और डैड भी ऑकवर्ड पोजिशन में होते हैं कि ओ आई एम टेस्टिंग फॉर दिस रोल आई नो द डायरेक्टर बट आई कॉन्ट कॉल दम यू नो वो वियर्ड स्पेस में तो इट कैन बी गुड एंड बैड ऑफ कोर्स लाइक ऑफकोर्स द पॉजिटिवजा के जैसे अगर मैं ऑडिशन करी वैसे पापा उनको बोल बोल दो कि मेरा टेप देख लेना तो ऐसे ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्लेसिंग वेरी मच 100% हाँ मतलब अगर ऐसा ही होता तो फिर तो मतलब इजीली करेक्ट लाइक मैं बोलती हूं कि हां एडवांटेज है कि वो थोड़ा के हेलो मैं हूं नोटिस वो नोटिस hmm. मिलेगी hmm. पर आई डोंट थिंक एनीवन को किसी को साइन करेंगे क्योंकि hmm. उनके मॉम ने फोन hmm. किया hmm. क्योंकि लोगों का पैसा लगता है hmm. लाइक hmm. like, कोई 10 15 20 करोड़ किसी के दोस्त

पर हाँ टफ था यार और जब लोग बोलते कि तुम्हारे लिए टफ नहीं था मेरे को बस वो पिंच को था कि ऐसे तुम जानती नहीं हो तुमको पता नहीं कि ऐसा ये भी टफ़ होता है कि आपके सब दोस्त इतने यू you नो know, काम कर रहे हैं कि शिट मेरा दिन कब आएगा वो शिट मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स जानते हैं फिर भी अभी तक क्यों नहीं हुआ है तो वो भी होता है रिजेक्शन uh, हुए हैं तो वो भी होता है आई एम ग्रेटफुल वेरी ग्रेटफुल बट कोई जानने की बरह नहीं बोल सकता कि अरे तुम्हारा तो ईजी था अच्छा मैंने सुना है जैसे जब ऑडिशन होते हैं जैसे आपने कहा कि क्या वर्ड यूज किया था आपने क्या अभी Audition? बड़ा सही सा वर्ड यूज किया था ना एक कौन बैठा होता है और ढीला सा ढीला हाँ? सा नहीं नहीं ढीला नहीं कुछ कुछ तो था बड़ा सही था वो वर्ड हाँ तो मैंने सुना है कि मतलब वो होता है उसके बाद सबको बोलते हैं नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट इसी तरीके से होता ऐसे ही होता

तो wow, तो हुआ होगा आई थिंक जब आप जाते हो लाइक बेसिकली कास्टिंग कॉल्स भी होते हैं ना कि तो लोग पढ़ के भी जाते हैं कि ओ ये मैन ट्वेंटी टू थर्टी ईयर रोल्ड फिर वो जाते हैं तो आई थिंक तब वो नॉट फिट नॉट फिट होता है मैं ऑडिशन यूजली एजेंसी के साइड से गई हूँ तो उन्होंने मेरे को बुलाया ऑडिशन के लिए तो वो जानते हैं कि मैं आ रही हूँ तो आई थिंक इसलिए मुझे बाहर से किक नहीं किया <laughs> पर हाँ वो आई एम शोर होता होगा अच्छा हाउ इज योर चाइल्डहुड मतलब बचपन में कैसे बच्चे थे आप पढ़ाकू बहुत दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ाकू मतलब मेरे को 85 मिला टेंथ में 78 मिला ट्वेल्थ में पर मैं बहुत मस्ती करती मेरे टीचर्स बोलते थे कि तुम मस्ती करो बट इवेल नहीं हो तो मैं शरारती थी पर मैं बकवास नहीं करती थी मैं मस्ती करती थी स्कूल लाइफ लॉट्स ऑफ फन द बेस्ट फ्रेंड्स द बेस्ट फैमिली ग्रोइंग अप वाज हैप्पी कभी ब... कोई कांड किया कि मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया हो फिर मम्मी पापा ने कहा देखो कितनी इज्जत है हमारी तुमने मिट्टी में मिला दी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं जब अभी सोचती मैं मम्मी के साथ बात करके मैं इतना हंसती हूँ सर मम्मी आप इतना हंसते हो ना जब वो फोन कॉल आते थे थी कि मैं क्या बकवास करती है रबेश हम करते थे मतलब स्कूल के मैं बोला नहीं चाहिए ना जो स्कूल अभी जाती होंगे को आइडियाज तो, मिल जाएगी उनको नहीं ऐसा कुछ नहीं वो बच्चों के पास आपसे बेटर आइडियाज पहले <laughs> हैं आजकल <laughs> के बच्चे दे <laughs> आर वे स्मार्ट वो आपको नया आइडिया देंगे बोलेंगे नहीं तुमने ये किया था तुमको इसमें ये भी ऐड कर देना चाहिए वेरी ट्रू हम यू नो स्कूल के कंपाउंड से जंप करती थी मैं मॉम का सिग्नेचर्स वॉच करती थी और बोलती थी कि ओ मेरा उनका पेट दुख रहा है तो मैं जंप वो देख के भागती थी और हमारे पास रिक्शा के पैसे नहीं थे तो मैंने एक लिप ग्लॉस दिया एक बार रिक्शा वाले को कि आप मेरे को लिप ग्लॉस देखे वैसे मेरे को अभी जाए उसने मेरे को टीचर को कम किया मतलब बकवास स्टूपर थिंग्स चाइल्डिश थिंग्स बहुत फ़ोन मेरा कॉन्फिस्केट रोज़ होता था तो मैं क्या करती थी कि यू नो मतलब टीचर से गिव मी और फ़ोन मैं जल्दी से सिम कार्ड निकाल देती था उस और मैं कोई मेरा जो

कूलर और यंगर बन गई है <laughs> 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 हम hmm. you know, जब किड्स थे बहुत स्ट्रिक्ट अभी एकदम चिलो ग तो उनके पास बहुत कम जा चुके uh, पापा कह रहे नो hmm. मतलब तो और कॉन्वर्सेशन था नो तो, मॉम so, no. बहुत डरती थीजेक्ट कैसा रिएक्शन था दोनों का तो पापा और दीदी दिल्ली में थे तो मैंने उनको बताया नहीं मम्मा सो रात को मेरे को फोन आया और आई डोट नॉन्ट टेल हर जस्ट इट तो मैं सो गई मतलब मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई बट लाइक कल रात कल कल सुबह कल सुबह सो आई वो कई गॉन्ट टू हर रूम आई डोंट नो मैं प्रोसेस कर रही थी इट वॉज अ वेरी बिग डील लाइक अभी बोलने में मतलब हाँ फिल्म मिली है बट माई होल लाइफ लेड अप टू दैट मोमेंट यू नो सो आई वेंट टू स्लीप सुबह स्लीपावटी एंड मॉम्स इन हर रूम So बट किसी को बताया नहीं बिकॉज का बहुत डर था so वो डर केट वोट वेटा सेवन टैटो में को टू साइड बैठ के रोए हैं फिर मैं एक घंटे में ऑफिस जा रही थी डैड और दीदी को मैंने फिर फेस्ट टाइम किया रात को इट वॉज यू नो जब इतना लाउड साउंड होता है फोन पे सिर्फ टी सुनाया था वो था मोम डैड और मोम डैड और दीदी इतना चिल्ला रहे थे आपको ऑम तो फिर एक साल गिल्टी में गया उसके बाद कोर्स बहुत हाई होप्स एक्सपेक्टेशन्स थी क्योंकि रिव्यूज़ गिल्टी के बहुत अच्छे थे मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे फिल्म डिड वेल ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट सीम लाइक देर वॉज गुड बज दैट लाइफ वॉज बी ग्रेट दस दिन में पैनडेमिक हुआ छः महीने घर बैठे तो आई थिंक वो बहुत मेरे को अफेक्ट किया बिकॉज लाइक आई सेट माई होल लाइफ लेट टू दिस मोमेंट और मैं जानती थी कि मेरे को इतने सालों के बाद ब्रेक मिली है मैं सब दूँगी मैंने सब दिया और दिखाई दिया यू you नो know, और फिर उसके बाद घर पे बैठना तो थोड़ा वो आई सेड यार मैंने सब सही किया ये क्या सिचुएशन हुआ ये आई नो ऑफ कोर्स पैंडेमिक सब hmm. सबको अफेक्ट किया पर मैं मेरे लाइफ के नज़रिए से देख रही थी ना आई सेड शिट यार ये hmm. कैसे हुआ टेक ऑफ एक्जैक्टली एक्जैक्टली और आई रिम्बर्स आई गेटिंग कॉल दिस वन टू मीट यू अच्छा ये इवेंट जाना ये करना है कैंसिल कैंसिल आई वॉज डूंग माई फर्स्ट फैशन शो यू नो एम वॉकिंग बॉम्बे टाइम्स फैशन था थाने कैंसिल शो कैंसिल किया हर रोज़ ऐसे कुछ हो रहा था एंड हमने कोके ठीक है और फिर जे मैंने घर बैठी द कॉल स्टॉप क्योंकि पता नहीं नो वन न्यू वर्ड दे वर डूइंग नेक्स्ट फिर वो भी हो गया कि अभी न्यू पर्सन को अभी कास्ट नहीं करना है पता नहीं शुड वी कास्ट तो वो फिल्म स्क्रैप हो रही थी पीपल वर नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंटेटिव फिल्म सो ऐसा चलो रीस्टार्ट आई गया पता नहीं क्या आई आई रियली ड नो एट दैट टाइम और फिर सेप्टेम्बर में मेरे को फ़ोन आया कि वासन वासनबाला को आपसे बात करना है <laughs> like, uh, तो <laughs> बैठना नहीं है मैं मेरी मोम डाडी दीदी को का गाला घूटती थी <laughs> <laughs> एक वो था और दूसरा मेरे को काम करना तीसरा वासन वाला था वो मेरे गेस्ट लिस्ट में बोल रही हूँ मेरी विश लिस्ट में था सिंस तो आई सब हंड्रेड परसेंट नो ब्रेनर वो हुआ एक महीने में हमने वो शूट किया जयपुर में <laughs> उसके बाद फिर वापस जब कॉन्वर्सेशं शुरू होने लगी आई रिमेंबर जैन फेब ऑफ ट्वेंटी वन अप्रैल में वापस लॉकडाउन शुरू हुआ तो वापस सब ठप हो गया देन केम मोनिका मार्च में एंड आई थॉट अभी हम शुरू करेंगे अप्रैल की वजह से वापस रुक गई तो वो

और उसके वजह से और डायरेक्टर्स मेरे को साइन करेंगे मेरे को तो वही चाहिए तो आई थिंक इन दैट वे इट्स आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल क्योंकि ओ टी टी हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी आपका क्वेश्चन कि ड्यू यू थिंक पैंडेमिक हेम्पर्ड मी अभी रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखें मे बी डिड मे बी डिड पता चल पता नहीं कि अगर पैनडेमिक नहीं हुआ क्या हो यू नो होता होगा पर जहाँ से एम स्टैंडिंग टूडे येस मोस्ट डेफिनेटली बिकॉज आफ्टर गिल्टी देर वॉज अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड

आई होप आई फ्री वाली को फोन करो ना आई थिंक वही करना वो अभी आई थिंक बहुत बिजी होगी हाँ। मैंने अभी उसको फोन किया कुछ छह मंथ पहले उसके असिस्टेंट ने मेरे को बोला सिक्स मंथ वेट है? Uh -huh. I said, है? तो <laughs> 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 clearly she is doing very well because उसके पास मेरे लिए uh -huh. नहीं है अभी um, हाँ, I think उसको ही फोन करना uh -huh. पड़ेगा हाँ, उसको फोन करो बोलो I think, I, I don't think so कि अब

My dream role is also Kangna माई Queen. रोल इज ऑल्सो कंग नई थिंक मतलब मुझे लगता है, बहुत से लोगों का फेवरेट रोल है. क्या रोल hmm. था hmm. क्या hmm. रोल था hmm. अगर जो भी आपको hmm. दिखाना है उस पिक्चर में hmm. दिखा सकती हूँ यू नो एक्टिंग

ना आई 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 फील 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 क्योंकि ये लोग लोग करते सेट पे लाइक लाइक यू 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 कैन ऑफ कुछ मजेदार हो हैं उनके साथ गुड कि मतलब आपने सो यंग एंड नेम्ड ऑल द परफॉर्मर्स नहीं तो कहते शाहरुख खान के साथ काम कर मुझे सलमान खान के साथ काम पंकज त्रिपाठी नवाजुद्दीन लाइक मतलब इंटरव्यूज हु डू वांट टू वर्क विद एंड आई यूज्ड टू से राज आयुष्मान अरे अरे मेरा मतलब वरुण रणबीर एंड आई सेड कैसा मैंने जवाब दे रही हूं ये मेरा आंसर है वो उनको लोगों को समझ नहीं आता है सर लाइक यार दूसरे किस्म के भी एक्टर्स हैं लाइक बिल्कुल 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 अच्छा यू वांट टू बी नोन एज अ स्टार और एज अ परफॉर्मर I want to be known as a performer because I know I can perform. Oh. I very much know I can perform. Oh. Uh, मेरा वही एक ही प्लान था I, I, मेरे कोई आइडियाज़ नहीं थे कि मेरे को ये रोल नहीं करना है ये रोल करना है मेरा एक ही है कि लोग मुझे सीरियसली लें बिकॉज लाइक आई सेड मेरे को अपॉर्चुनिटी ईजीली नहीं मिली है तो मेरे को ऐसा नहीं कि हा, हा, है कि हाँ हाँ ठीक है सुंदर लगती है ना नाचली निकले बुलाएंगे आई डू नॉट वॉन्ट दैट मेरे को पार्ट्स करने जहाँ पे लोग अगर पाँच मिनट का भी पार्ट है जैसे रे में था पर मेरे को बहुत सारे कॉल्स मिले कि यार क्या सीन था तो आई थिंक मेरे को सीरियसली आई वॉन्ट पीपल टेक मी सीरियसली बिग मतलब, so, <coughs> mm -hmm. I, I रोल इन सिंग नहीं

आई डोंट यार know. मौसी बनेगा वो अच्छा ही लगेगा ना यार तो मत क्या? पूछा करो ऐसे सवाल और क्या विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर मोनिका ओ माय डार्लिंग दिस इज अ लवली इंटरव्यू आने interview वाली so जो फिल्म हां ये thank पूरा करो आप ये पूरा करो दिस इज प्लीज गो वेरी द नाइस इज इंटरव्यूस ऑफ आई एम आई एम सो ग्रेटफुल थैंक यू थैंक यू सो मच एंड uh, अभी एक और फिल्म आने वाली है और वो टेरो वाली का नंबर आप भेजो अभी देने वाली हूँ कट करने के बाद हाँ, में आपको देने वाली उसको वाली बोलते हैं हम कुछ ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे कि वो फट से जो है वो आपको भी कंसल्ट करेगी और मुझे भी कंसल्ट करेगी <laughs> ऐसी कुछ कहानी बनाते हैं कि वो तुरंत हमको बताएगी और ये भी बताएगी कि हमारा अगला इंटरव्यू कब होने करेक्ट आई थिंक अगले हफ्ते होना